शनिदेव का मंत्रमुग्ध कर देने वाला रूप। 16 श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन देते हैं शनि महाराज। भक्तों के नजर में आने के लिए अपनी जगह से खिसक गए थे शनिदेव। यहां स्वयं प्रकट हुई थी शनिदेव की प्रतिमा। आज हम आपको प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं, जो कि जूनी इंदौर में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शनिदेव की प्रतिमा बेहद ही आकर्षक है, तो वहीं उतनी ही रोचक है इस मंदिर की कहानी। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर से जुड़ी प्रचलित कथा के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार मंदिर के स्थान पर 300 साल पहले 20 फुट ऊंचा टीला था, जहां पर वर्तमान पुजारी के पूर्वज गोपालदास तिवारी आकर ठहरे थे। गोपालदास दृष्टिहीन थे, बावजूद इसके एक दिन शनिदेव ने उन्हें सपने में आकर आदेश दिया कि इस टीले के नीचे मेरी प्रतिमा है, उसे बाहर निकालो। ऐसा सुनने पर गोपालदास ने कहा, प्रभु मैं तो अंधा हूं, मैं देख कैसे सकता हूं। इस बात पर शनिदेव ने उनसे कहा कि आंखें खोलो, अब तुम सब देख सकते हो। गोपालदास ने आंखें खोली तो उनका अंधत्व दूर हो चुका था, वो इस दुनिया को देख सकते थे। उनका अंधत्व दूर होने से अन्य लोगों को भी उनकी बातों पर यकीन हो गया। इसके बाद जन सहयोग से उस टीले को खोदकर वो प्रतिमा निकाली गई और आज वो प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। इस मंदिर के बारे में एक और चमत्कार प्रसिद्ध है। वर्तमान में जहां भगवान राम की प्रतिमा स्थापित है, वहां पहले शनिदेव की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन एक दिन अचानक शनिदेव की प्रतिमा खिसक कर वहां आ गई जहां वर्तमान में स्थापित है। बस तभी से भक्तों में शनिदेव की आज्ञा समझकर उसी स्थान पर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर साल यहां शनि अमावस्या के दिन से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं शनिदेव की प्रतिमा से जुड़ी कुछ बातें। भक्तों की मान्यता है कि सिर्फ शनिदेव की प्रतिमा के दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। बता दें कि यहां पर शनि महाराज भक्तों को 16 श्रृंगार में दर्शन देते हैं। वैसे तो आमतौर पर हम मंदिरों में शनिदेव को बिना किसी श्रृंगार के काली पत्थर की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, लेकिन इंदौर के जूनी शनि मंदिर में 16 श्रृंगार में शनिदेव विराजमान है। कहते हैं कि जब इस मंदिर में शनिदेव की दूध और जल से अभिषेक किया जाता है तो इनका ये रूप निखर उठता है। मान्यता है कि इंदौर के इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को चमत्कार दिखता है। शनिदेव की प्रतिमा के साथ इस मंदिर में होने वाली पूजा की विधि भी अनोखी है, क्योंकि यहां तेल से नहीं बल्कि दूध और जल से शनिदेव को प्रसन्न होने की मान्यता है। सुबह सवेरे पहले शनिदेव का दूध और जल से स्नान कराया जाता है, फिर उन्हें फूलों और शाही पोशाकों से सजाया जाता है। शनिदेव के श्रृंगार की इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 6 घंटों का समय लगता है। इस शनि मंदिर की एक विशेषता है जो बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि यहाँ आरती से ठीक पहले शहनाई बजाई जाती है, जो आरती पूरी होने तक लगातार बजती रहती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।